Hello everyone, welcome back to our channel Learn Yogi. Today I'm going to tell you a story about माँ महागौरी. So let's start. नवरात्रि के आठवें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है. नवरात्रि के दौरान इस दिन का विशेष महत्व है. देवी महागौरी का अत्यंत गौरवर्ण है. इनके वस्त्र और आभूषण सफ़ेद हैं. इनकी चार भुजाएं हैं. महागौरी का वाहन बैल है. देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है. बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है. भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया. इनकी कठोर तपस्या से महादेव प्रसन्न हो गए और इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली. इनके शरीर का रंग तपस्या से काला हो जाने के कारण महादेव ने इन्हें गंगा जल से धोया तो ये फिर से गौर रंग वाली हो गई. इसी कारण इनका नाम गौरी पड़ गया. इसी कारण कहा जाता है कि अष्टमी के दिन व्रत रखने से भक्तों को उनका मन चाहा जीवन साथी मिलता है. महागौरी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है. उसके अनुसार जब माँ उमा जंगल में तपस्या कर रही थी, तभी एक शेर वन में भूखा घूम रहा था. खाने की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ माँ तपस्या में लीन थी. देवी को देखकर शेर की भूख बढ़ गई और शेर उनके तपस्या पूरी करने का इंतज़ार करने लगा. इस इंतज़ार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया. देवी जब तप से उठी तो शेर की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई. माँ ने उसे अपनी सवारी ली और एक प्रकार से उसने भी माँ के साथ तपस्या की थी, इसलिए देवी महागौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों हैं. धन्यवाद. Happy Navratri to all of you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. For more update, press the bell icon, like, share, and comment down.